मीटिंग चल रहा है, अभी 5 मिनट इंतजार करना होगा। और ये भागलपुर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम 1991 में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तिलका मांझी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे भागलपुर यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। यहाँ तक कि इस यूनिवर्सिटी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि बच्चों का मार्कशीट प्रिंट कर सके, पेपर का पैसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जाँच भी बैठा था 2021 में यहाँ के VC के ऊपर कि 2019 से लेकर 2021 तक जो पेपर की खरीद हुई थी उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, क्या भ्रष्टाचार हुआ। हालांकि ये लोग बहुत ईमानदारी से एकदम पूरा काम कर रहे हैं। कल स्थापना दिवस है, 12 जुलाई 1960 में इस यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था। इस उम्मीद से स्थापना हुआ था कि बिहार के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। और पहले यहाँ के जितनी भी कॉलेजेस थी वो पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, बाद में बच्चे यहाँ पे पढ़ना शुरू किए इस यूनिवर्सिटी से और पता चला कि उज्ज्वल भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। हालांकि अभी मीटिंग चल रहा है, 5 मिनट का समय मांगा गया है, देखते हैं 5 मिनट का समय हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। कल स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के नाम पे धूमधाम से पैसा खर्चा किया जाएगा वो हमें पता है। 6 महीना से VC नहीं है यहाँ पे, यहाँ के शिक्षक से लेके और बच्चे भी VC को ढूंढते रहते हैं और VC साहब गायब है। नरेंद्र मोदी जी बिहार के यूनिवर्सिटियों में से VC गायब रहते हैं, बिहार के लोगों को परेशानी होता है, बिहार के बच्चों को परेशानी होता है, उनका भविष्य बर्बाद होता है। और एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, बिहार की यूनिवर्सिटियाँ सुचारू रूप से इसलिए नहीं चलती है क्योंकि बिहार के बच्चे बिहार से बाहर जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में पढ़ें और वहाँ के कॉलेजों में मोटा फीस दे। लेकिन हम प्रयास करेंगे सर से मिलने के लिए, अगर सर समय देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो बाहर से हम प्रयास करेंगे इस यूनिवर्सिटी की सच्चाई दिखाने की। नहीं नहीं, अंदर कुछ नहीं है। क्या अंदर कोई है नहीं भैया? आप हैं ना? हम तो ही है। चांसलर साहब हैं? नहीं। तो चांसलर साहब नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? अभी प्रोफेसर हनुमान प्रसाद का आपने क्यों खोला था केबिन? वो देखने के लिए, वो बोर्ड देखने के लिए खोले थे। बोर्ड? अच्छा, हम लोगों को भी बोर्ड दिखाइए। आपको कहाँ बोर्ड दिखाए भैया? क्यों? वो जब PA साहब को बुलाते हैं, PA साहब दिखला देंगे तो आप करेंगे। तो आप आदेश होगा तब ना आपको। ओ, आपको आदेश होगा तब उनका बोर्ड दिखाइएगा। चलिए PA साहब से हम लोगों के लिए भी आदेश करा दीजिए। क्या नाम होगा सर आपका? ये आप इसको बंद कीजिए पहले। अच्छा, बंद कर देंगे, कहीं आपने आरोप लगा दिया मेरे ऊपर। बंद कीजिए ना। हाँ पहले बंद कीजिए ना। हाँ, इसको बांट देने के लिए रजिस्ट्रार अधिकृत है, हम नहीं है, मीडिया तो आया है ना। हाँ, आप एक बात बताइए मुझे। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि एक ही आदमी रजिस्टर्ड है। यहीं पर आप PA है ना जी? मैं आप VC के PA है ना? VC साहब हैं कहाँ? VC साहब मुजफ्फरपुर में, बांट लेना। मुजफ्फरपुर में भी VC साहब नहीं है? रजिस्ट्रार साहब तो बांट लीजिए ना। मुजफ्फरपुर में भी VC साहब नहीं है? रजिस्ट्रार साहब तो बांट लीजिए, बांट देने के लिए रजिस्ट्रार। और यही दिक्कत है कि बिहार में किसी अधिकारी से, बड़े अधिकारी है, ये छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बड़े अधिकारी से अगर हम लोग पूछने जाते हैं सवाल, अब मैं क्या पूछूंगा, इनका नाम पूछूंगा कि इनका घर पूछूंगा, क्या पूछूंगा, कुछ नहीं बताना चाहते हैं। और यही कारण है कि बिहार में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बिहार BJP के अध्यक्ष जो हैं वो जदयू पे आरोप लगा रहे हैं, जदयू जो है BJP पे आरोप लगा रहा है, सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं और बच्चों का भविष्य बिहार में बर्बाद हो रहा है। अभी मैं ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में हूं और ये VC के PA हैं, VC के PA, और VC साहब 6 महीना से गायब है यहां से। जरा सोचिए, जब VC साहब गायब रहेंगे तो PA से ही ना सवाल करेंगे, PA साहब गायब रहेंगे तब ना जाके गार्ड से सवाल करेंगे। तो ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, आजाद भारत के आजादे ना कर्मचारी हैं, ये गुलाम कर्मचारी थोड़ी हैं। सही चीजों को बताने में इनको क्या दिक्कत हो रहा है? मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि VC साहब कहां है, तो बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर है। जब VC साहब मुजफ्फरपुर रहेंगे तो भागलपुर का प्रभार उनको क्यों दिया गया है? वहां पे भी, मुजफ्फरपुर में भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि उनका बेटा कहीं UP से चुनाव लड़ा था, उसको चुनाव लड़वाने गए थे वो। जरा सोचिए, वैसे वैसे लोगों को VC बना दिया जाता है बिहार में। बिहार से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है क्या? किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बिहार में ऐसा होता है क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा ताकि वो मजदूर बने, लेबर बने और दूसरे राज्यों में जाकर धक्का खाए। अब इनसे सवाल नहीं करेंगे तो किनसे सवाल करेंगे? अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जाके सवाल तो करेंगे नहीं हम लोग। आप लोग हर साल करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं उत्तेजित, आपका बेटा का भविष्य बर्बाद होगा तो आप उत्तेजित होंगे कि नहीं? गरीब का बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो आपको कहां से उत्तेजना होगा? आपको तो सरकार 2 लाख रुपया से ऊपर सैलरी देता होगा और हम लोगों के टैक्स के ये गमछुआ खरीदा हूं ना तो टैक्स दिया हूं और उससे आपको सैलरी मिलता है, उत्तेजित आप हमको बोल रहे हैं? आपका बेटा का भविष्य मैं बर्बाद करूंगा, आप उत्तेजित होइएगा कि नहीं बताइए पहले? आपका बेटा का मैं भविष्य बर्बाद करूंगा, आपको उत्तेजना होगा कि नहीं होगा, ये बात बताइए पहले आप मुझे, होगा कि नहीं होगा? आपकी बीबी का इलाज नहीं होगा, ब्लड के बिना वो मर जाएगी अस्पताल में, आपको उत्तेजना होगा कि नहीं होगा?
मैंने आपको गाली दिया, मैं आप बोल रहा हूं, रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन चिल्लाना इसलिए पड़ रहा है कि बिहार का पूरा सिस्टम गुंगा हो गया है। 5 साल में किसी भी बिहार के अलावा किसी भी राज्य में ग्रेजुएशन होता है क्या? क्यों सेशन लेट चल रहा है? बिहार के अलावा किसी भी राज्य में सेशन लेट चला है क्या? बताइए तो थोड़ा, आप जवाब दीजिए। तो पेपर खरीदने के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है, पेट्रोल और महंगा कीजिए, लेकिन पेपर खरीद कर मार्कशीट दीजिए लोगों का। उत्तेजित हो रहे हैं हम लोग। आपके बेटे का भविष्य बर्बाद होगा ना सर, तब आपको समझ में आएगा कि आपके बेटे का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है ना, बिहार के करोड़पतियों का भविष्य नहीं ना बर्बाद हो रहा है, नेताओं के बच्चों का भविष्य नहीं ना बर्बाद हो रहा है। दून कॉलेज में पढ़ते हैं, बोर्डिंग कॉलेज में पढ़ते हैं नेताओं के बच्चे, विदेश में जाके पढ़ते हैं। जिनके पास पैसा नहीं रहता है ना, उनके बच्चे बिहार में पढ़ते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है, और उनके लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठाए। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, आप ही लोग जाके चुनाव समय पर कराते हैं। आप लोगों को इस कुर्सी पर क्यों बैठाया गया है? आपने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया कि समय पर सेशन नहीं कंप्लीट हो रहा है, हम इस पद के लायक नहीं, हम इस्तीफा दे रहे हैं? आप सैलरी क्यों उठा रहे हैं? आप लोग सैलरी दीजिए, सैलरी सारा सरकार को वापस कीजिए, क्योंकि आप लोग समय पर सेशन नहीं कंप्लीट करा रहे हैं। मीटिंग कर रहे हैं 12 तारीख को, ये सेरेमनी मनाएंगे। क्या मनाइएगा आप लोग सेरेमनी? क्या कीजिएगा सेरेमनी मना के? क्या फायदा है सेरेमनी मनाने में? क्या है 12 तारीख को? आज 11 तारीख है, कल आप लोग क्या मनाने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी में कि हम लोग सफलतापूर्वक जो है पिछले 50 सालों से बच्चों का भविष्य बर्बाद करते आए हैं, उसी का जश्न मना रहे हैं? उत्तेजित हम लोग हो जाते हैं, और उत्तेजना के बावजूद भी हम लोग इतना कंट्रोल किए हैं कि आप लोगों को एक शब्द जो है ना उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जोर से बोल रहे हैं ताकि आप लोगों का कान का चदरा जो है ना वो थोड़ा सा उसमें आवाज गूंजे बिहार के लोगों का। पीए हैं ये, वाइस चांसलर के पीए हैं, हनुमान प्रसाद पांडे जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके ये पर्सनल सेक्रेटरी हैं ये, जरा सोचिए। और इनसे सवाल नहीं पूछा तो किनसे सवाल पूछा अगर वो नहीं है तो? बीसी साहब यूपी चले जाते होंगे, इसीलिए 6 महीने से नहीं आ रहे हैं ना। 6 महीने से नहीं है बीसी साहब? हाँ, छः महीना से ऊपर से बीसी साहब नहीं है। कईयों का इधर आयोग में कई छात्र का अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन चल रहा है, उसमें कईयों का सर्टिफिकेट मिसिंग है और मूल सर्टिफिकेट मिसिंग है। ये लोग जानबूझ के सर्टिफिकेट मिसिंग करते हैं। जरा सोचिए, जिस राज्य का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो उस राज्य का कभी विकास नहीं हो सकता है। और अभी मैं वाइस चांसलर के केबिन में हूँ, यहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे वाइस चांसलर है, यहाँ पे प्रो वाइस चांसलर है, इन लोगों के केबिन में मैं चिल्ला रहा हूँ। शायद इन लोगों को थोड़ा सा सुनाई दे दे कि बिहार के सेशन को समय पर कंप्लीट किया जाए। चुनाव कोरोना हो या कोरोना का बाप हो या कोरोना का दादा हो, 5 साल में ही चुनाव होता है। हुआ था चुनाव इस बार, लेकिन जो है बच्चों का भविष्य नहीं बचाया जाता है। और एक सवाल है कि दीक्षांत समारोह का पैसा, हाँ। नीलमा गुप्ता मैम थी, हाँ। उस समय दीक्षांत समारोह होना था, हाँ। और नीलमा गुप्ता मैम का भी तबादला हो गया, फिर उसके बाद सब विद्यार्थी का दीक्षांत समारोह में अटका हुआ है सर्टिफिकेट। जरा सोचिए, जिस राज्य में दीक्षांत समारोह का पैसा अटक जाए, नितिन गडकरी अभी 2 दिन पहले दीक्षांत समारोह मना के आए नागपुर में। हर एक नेता अपने राज्य में, हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक मंत्री जो है अपने राज्य अपने एरिया के यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह मनाने जाता है, और बिहार में दीक्षांत समारोह का पैसा अटका दिया जाता है, दीक्षांत समारोह अटका दिया जाता है। ये दुनिया का पहला ऐसा राज्य है, सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे दीक्षांत समारोह भी सही समय पर सही तरीके से नहीं किया जाता है। रजिस्ट्रार साहब कौन है इसमें? वो है नहीं, अब तो नहीं रुकेंगे सर, अब तो थोड़ा सा गुनाह कर ही लेते हैं सर। मैं आ गया, मैं माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों का काम में मैं दखल डाल दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट समय चाहिए। आप लोगों का समय कीमती है तो बिहार के छात्रों का भी समय कीमती है। 8 महीने मैं मीडिया से हूँ, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो मीडिया सवाल नहीं कर सकता है। हाँ, हाला नहीं करना है ना सर, मतलब मुझे हाला नहीं करना है सर, सही है ना? मैं एकदम धीरे धीरे बोलूँगा, बस सवाल पूछूँ। हाँ, मीडिया, हाँ, मतलब मीडिया किस अनुसार से बातचीत करता है? आप लोग भविष्य बर्बाद करते रहिए, हम लोग आप लोगों से आराम से बात करते रहेंगे। क्या क्या? हाँ, रजिस्टर्ड है, सब रजिस्टर्ड है सर। हाँ, आप नहीं देखे हैं ना, बिहार का नंबर 1 चैनल है, नंबर 1। अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आप जूता से मार के निकाल दीजिएगा। मतलब हाँ, वाह, बहुत बढ़िया सर, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बात बोल दिया तो आपको बुरा लग गया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और बिहार के करोड़ों बच्चों का भविष्य हर साल बर्बाद हो रहा है। मतलब आपको धीरे सुनाई देता है सर, आपको धीरे सुनाई देता है सर, धीरे सुनाई देता है।
पिछले आधे घंटे से आया हूँ मैं, इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग कल जो है सेरेमनी मनाने वाले हैं, इसका स्थापना दिवस मनाने वाले हैं। पीजी का कोर्स कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं आप लोग, अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हो पाया है। पीजी के बच्चे पता है क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। वो रिसर्च करके बिहार को बदलेंगे और उनका भविष्य आप लोग अंधकार में डाल दे रहे हैं। 10,000 बच्चों का मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में पेपर नहीं है। आपके भीसी साहब 8 महीना से नहीं आए और सभी बड़े अधिकारी यहां पे बैठे हुए हैं, सारे के सारे बड़े लोग हैं। कौन बदलेगा बिहार को और इसके लिए कौन है दोषी? किससे सवाल हम लोग करें? आपसे सवाल कीजिए। हम सवाल करें? आपका सेशन लेट क्यों चल रहा है सर? लेट कोरोना के कारण चल रहा है। लेट कोरोना के कारण, एक मिनट, हाँ, सिर्फ क्वेश्चन मैं करूंगा। इनका सेशन लेट क्यों चल रहा है? पहला सवाल। पहले पूरे बिहार में, एक मिनट अभी पूरे बिहार के वाइस चांसलर की मीटिंग हुई है राज्य सरकार के पास, उसी में था कि सेशन कहाँ का क्या लेट चल रहा है। तो मेरे यूनिवर्सिटी का सेशन पटना यूनिवर्सिटी और एक दो और यूनिवर्सिटी है जिसके साथ साथ चल रहा है। हमारा यूजी का सेशन लेट नहीं है। 21 बीत गया, 21 का हमने डिग्री दे दिया है, 22 का परीक्षा हम 22 में ले लेंगे। लेट नहीं चल रहा है। भागलपुर यूनिवर्सिटी का सेशन जो है लेट नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए सर, भीसी साहब 8 महीना से नहीं है, क्यों नहीं है? ये आप हमसे नहीं पूछिए। कुलाधिपति महोदय के यहाँ उनका जब जैसे बीमार थे उनका लेटर से जाता रहा है मेडिकल का, वो अभी तक गया है। अभी उनकी, अभी बिहार यूनिवर्सिटी को वाइस चांसलर हैं, हमारे यहाँ चार्ज में है। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है, बिहार यूनिवर्सिटी में ही वो काम कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं। बिहार यूनिवर्सिटी में भी नहीं रहते हैं। मैं गया था मुजफ्फर, वहाँ पर गया था मैं, और अभी 1 महीना पहले वहाँ पर वीडियो किया, वहाँ पर भी नहीं थे वो। सुनने में आया है कि उनका बेटा यूपी से चुनाव लड़ता है और चुनाव प्रचार में गए थे वहां पे। ये है सच्चाई। अब भीसी जो है जाके चुनाव प्रचार करवाएंगे उत्तर प्रदेश में और बिहार में बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। सवाल ये बनता है कि नहीं बनता है? ये क्वेश्चन नहीं है। आप लोग कल क्या मनाने वाले हैं? हम समझते हैं कि आप यहाँ क्वेश्चन करने नहीं आए हैं, भाषण देने आए हैं। हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सिस्टम जो है ऐसा हो जाए ना तो चीखना और चिल्लाना पड़ता है। हम भाषण देने आए हैं। नेताजी लोग रोज भाषण देते हैं, इस यूनिवर्सिटी पे भी जांच बैठना चाहिए जैसे मगध यूनिवर्सिटी पे हम लोगों ने जांच बैठाया था।